फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। फ्रेंड, आज मैं सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों में इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड, जिन लोगों को सूट की कटिंग नहीं आती है या स्टिचिंग नहीं आती है, वो इस वीडियो को देखकर सूट की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ लेंगे हम 35, जैसे आप देख रहे हैं, और ये कंप्लीट हमें 34 पे चाहिए। तो हम यहाँ 35 लेंगे, इस जगह हम देखिए, इस जगह हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद जिन्हें सूट की कटिंग नहीं आती है, वो इस सूट की कटिंग को किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है और ये हमारा बैक पार्ट है, हम दोनों की कटिंग सेम ही करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड, हम कंधा ले लेते हैं। कंधा हम 6 लेंगे। उसके बाद नीचे की मोहरी फ्रेंड, ये भी हम 6 लेंगे। और चेस्ट फ्रेंड, जितना आपका चेस्ट है आप उतना ले। हम इसमें चेस्ट 40 लेते हैं। 40 में फ्रेंड हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हम 11.5 पे निशान लगाते हैं और उसे इस तरह से मिलाते हुए लाइन घिस देते हैं। उसके बाद फ्रेंड, हमारा जो ऊपर से कमर होता है उसकी हम लंबाई ले लेते हैं। देखिए, हम 12 पे हम निशान लगा लेते हैं। और फ्रेंड, हमने यहाँ 11.5 पे निशान लगाया था, अब हम इस जगह 0.5 इंच कम पे निशान लगाएंगे। 11 पे देखिए, 11 पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड, हम देखिए 18 पे हम ओपन लेंगे। तो 18 पे इस तरह से हम निशान लगा देते हैं। देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद, और फिर फ्रेंड, जैसे हमने सबसे ऊपर में आपको बताया था 11.5, उसके बाद 11, अब हम फिर से 11.5 पे निशान लगा देंगे। देखिए, इस तरह से हम इस जगह निशान लगा देंगे। अब इसे हम मिला लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसे मिलाएंगे, इस तरह से। ये तिरछी शेप होती है फ्रेंड, और ये इस तरह से। उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट बचा फ्रेंड, जो घेरा होता है, वो चौड़ा पसंद है, बहुत जन को पतला पसंद होता है। तो फ्रेंड, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले। देखिए, हम यहाँ 12 पे निशान लगाएंगे। 12 पे निशान लगाएंगे, मिला देंगे। देखिए, इस तरह से इसे भी हमने मिला दिया। उसके बाद हम कंधे का शेप देंगे। देखिए, कंधे का शेप हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे हम शेप लाइन दे देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसे शेप लाइन दे दिए। फ्रेंड, जैसे देखिए, इसमें तो गला का डिज़ाइन दिया हुआ है। अगर आपके सूट में गला का डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है, तो जैसे चौड़ा कंधा चाहिए तो आप 2 पे रख के निशान लगाइए। अगर आपको पतला कंधा चाहिए तो 2.5 पे रख के निशान लगाइए, या 3 पे रख के निशान लगाइए। तो फ्रेंड, हमारे तो इसमें गला बना हुआ है, तो हम सीधा इसे कट लगा देंगे 0.5 इंच छोड़ के। तो फ्रेंड, हम बैक का भी गोली गला लेंगे, इसलिए हमें गले को जैसा हमारा है वैसा ही कटिंग करना है। तो मैंने जो ये प्रोसेस बताया है, इससे आप सूट की कटिंग कर सकते हैं। जिन्हें ये कटिंग नहीं आता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम सूट की कटिंग अपनी साइज की किस तरह से सिलाई करें, तो वो इस कटिंग को किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप अपने नाप के सूट को लेंगे। देखिए, ये मैंने एक सूट पीस लिया हुआ है। अब इसे आप अच्छे तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे। सिले हुए सूट को फ्रेंड, हम कपड़े के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद हमने 1.5 इंच सब जगह एक्स्ट्रा लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था, 1.5 इंच हमने चेस्ट में ज़्यादा लिया, कमर में ज़्यादा लिया है, ओपन में ज़्यादा लिया है। तो फ्रेंड, इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए, 1.5 इंच आप देख रहे हैं। तो
फ्रेंड जिन्हें ये कटिंग नहीं आता है, कपड़े के ऊपर सूट पीस बने हुए रखें और 1.5 इंच ज़्यादा पे निशान लगा लें और उसकी कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा ये सूट पीस की कटिंग बहुत ही आसान है, आप आराम से इसकी कटिंग घर पे कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जैसे आप देख रहे हैं नीचे हमारा एक्स्ट्रा क्लॉथ है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो 1/2 इंच छोड़ के रख रहे हैं फ्रेंड। अब हम गला का कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट भाग है, देखिए हम यहाँ से निशान लगा, देखिए फ्रंट ये हमारा डिज़ाइन है, इसलिए हम 3 पे निशान लगा रहे हैं। फिर निशान लगाने के बाद इस तरह से हम इसे 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये तो हमारा फ्रंट भाग का कटिंग हो चुका है। अब हम बैक भाग का कटिंग करते हैं गले की। जैसे हमने फ्रंट भाग में 3 पे निशान लगाया तो उसी तरह से हम बैक में भी 3 पे निशान लगाएंगे। और फ्रंट हमें बैक का गला थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो हम इसके लिए 8 पे निशान लगा रहे हैं। देखिए फ्रंट हम गोल गले के लिए किस तरह से पिक्चर को ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से स्क्वायर में हम निशान लगा लेते हैं और इस तरह से फ्रेंड देखिए इसमें गोल शेप दे देंगे। ये तो हमारा गोल गला कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट के तैयार हो चुका है। कट का निशान लगा देते हैं ताकि सिलाई करते समय हमें आसानी हो। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने कपड़ा को डबल में लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। कपड़ा को डबल करने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए हम 8 इसकी जो चौड़ाई है फ्रंट हम 8 लेंगे, देख रहे हैं 8 लेना है। उसके बाद आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बाजू ले सकते हैं। फ्रेंड मैं इसमें 6 इसकी लेंथ ले रही हूँ बाजू की और इस जगह से हम 6 पे निशान लगाएंगे और हमारी जो बाजू की गोलाई है 6 है। आपकी जो बाजू की गोलाई हो आप उस जगह निशान लगाएं और यहाँ से फ्रंट हम बाजू की जो लंबाई है देखिए इस जगह से हम 4 पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे मैच कर देंगे। और उसके बाद फ्रंट हमें क्या करना है देखिए इस जगह से इस तरह से शेप देते हुए इस तरह से आ जाना है। तो फ्रंट ये हमारा बाजू की जो पिक्चर थी वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये तो हमारा बाजू कट के तैयार हो गया है। फ्रेंड इसमें मैं एक कटिंग और होती है, देखिए इस तरह से शेप लाइन दे देंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। इस जगह हम कट का निशान लगा देते हैं। तो फ्रेंड अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बाजू की स्टिचिंग कर लेते हैं। बाजू फ्रेंड हमने 6 काटा था, कंप्लीट बाजू हमें 5 पे चाहिए। तो इस तरह से पहले हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए
फ्रेंड जैसे आप देख रहे हैं हमने बाजू की स्टिचिंग कर लिया है। फ्रेंड जैसे आप देख रहे हैं जो ये जो भाग आपको दिख रहा है ये हमारा फ्रंट का, इसे आप दोनों साइड की जो बाजू होती है इसे हमें फ्रंट में रखना है, जो हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये हमारा बैक में जाता है। तो फ्रेंड अब हम सूट की स्टिचिंग करते हैं। जैसे देखिए हमने दोनों पार्ट को इस तरह से रखा है, अब इसे फ्रेंड हम एक पार्ट को स्टिच करेंगे और दूसरे पार्ट को हम इसी तरह खुला छोड़ देंगे। ये तो हमने स्टिच कर लिया है, अब हम इसमें फ्रेंड गला जोड़ेंगे। तो चलिए हम गला किस तरह से जोड़ते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड अब हम गला को बना लेते हैं। तो फ्रेंड हम गला में पाइपिंग देंगे, देखिए इस तरह से हम कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा इसे भी हम कट लगा देते हैं। उसके बाद फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ हम पाइपिंग किस तरह से देते हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड पाइपिंग देना। इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से ले जाएंगे और इसके ऊपर फ्रेंड हम स्टिच करेंगे, इस ब्लू वाले कपड़े के ऊपर हम स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड चलिए हम पाइपिंग दे देते हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए फ्रेंड जब हम पाइपिंग करते हैं। तो अगर आपको मोटी पाइपिंग देनी है तो आप मोटा कपड़ा इस जगह पकड़े, अगर आपको पतली पाइपिंग देनी है तो आप पतला कपड़ा इस जगह में ले। तो हमें ना ज़्यादा मोटी देनी है ना ज़्यादा पतली देनी है फ्रेंड। तो हम मीडियम कपड़ा लेंगे इस जगह। अब हम इसके ऊपर से एक और स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। कंधा को हमने स्टिच कर लिया है। अब फ्रेंड इसमें हम बाजू को किस तरह से स्टिच करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैंने जैसे बताया था जो हमारा कम है कपड़े में इसे हम फ्रंट में रखेंगे। देखिए इस तरह से इसे रखेंगे और इस तरह से फ्रेंड इसे हम मैच करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। देखिए इस तरह से हम नीचे की ओर आ चुके हैं। अब हम इसकी स्टिच करेंगे। इस तरह से हम दोनों बाजू को एक के ऊपर एक रख के हम स्टिच करेंगे। फ्रेंड इसी तरह से हम दूसरे बाजू को भी स्टिच करने के बाद आपको दिखाते हैं। हमने दोनों बाजू को स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद फ्रेंड हम कपड़े को पलट लेंगे, उल्टे साइड कर लेंगे और देखिए हम 6 पे निशान लगाएंगे कि हमारी बाजू की जो गोलाई होगी वो 6 होगी। तो हम 6 पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और फ्रेंड जो हमारा कट है, देखिए जो हमने कट पर निशान लगाया था, देखिए ये इस तरह से हम इसे मैच करेंगे।
मैच करने के दौरान फ्रेंड हम जो 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़े थे हम इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इस जगह भी देखिए देख रहे हैं ये मैच हो रहा है और इस जगह भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे हम मिला देंगे। देखिए सबसे पहले हम ऊपर से मार्जिन घिसते हुए नीचे की ओर आते हैं इस तरह से देखिए फ्रेंड हमने निशान लगा दिया है। अब इसी के ऊपर हम स्टिच करेंगे ये हमारा फिनिशिंग लाइन होगा फ्रेंड। अब हम ठीक उल्टे साइड जाएंगे और फ्रेंड जिस तरह से हम इसे स्टिच कर रहे हैं इसके अपोजिट साइड भी हम ठीक इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम इस जगह कट लगा देंगे। तो फ्रेंड ये हमने दोनों साइड की बॉडी को जोड़ लिया है। अब फ्रेंड हमारा ओपन है। अब हम ओपन को किस तरह से स्टिच करेंगे इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड जैसे मैंने ऊपर बताया था 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे ठीक हम नीचे भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो चलिए इस जगह से निशान लगाना शुरू करते हैं। अब इसे हम मिला देते हैं ठीक हम पलट के भी इसमें निशान लगा लेते हैं। फ्रेंड तो हमने आगे पीछे निशान लगा लिया है। अब इसे हम स्टिच किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले आप इसे एक पार्ट को इस तरह से खोल लेंगे और इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड हम इस तरह से करेंगे और फोल्ड करने के बाद फ्रेंड हम इस पे स्टिच चलाएंगे। जगह आने के बाद हम स्टिच को देखिए सुई को हम नीचे की ओर ले जाके और इस तरह से कपड़े को हम घुमाएंगे। घुमाने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे मैंने नीचे से आपको फोल्ड करके दिखाया था इस तरह से फोल्ड करेंगे और चाप को फिर नीचे की ओर गिरा देंगे और देखिए इसे फिर से हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम किनारे आएंगे और फिर से हम चाप को ऊपर उठाएंगे और फिर से हम कपड़े को राउंड घुमाएंगे। राउंड घुमाने के बाद हम इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे जैसे मैंने आपको फोल्ड करके दिखाया था उसी तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी स्टिच करने के बाद आपको दिखाते हैं। किनारे से स्टिच करते हुए आएंगे। देखिए कपड़े को हम घुमाने के बाद इस तरह से चाप को अब हम गिरा लेंगे। तो फ्रेंड अब किनारे किनारे हम स्टिच करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड हम दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो मैं आपको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से इसे स्टिच किया है। फ्रेंड मैंने ऊपर को स्टिच कर लिया, अब हमारा जो नीचे वाला भाग है फ्रेंड इसे हम किस तरह से स्टिच करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारी पहले की सिली हुई सूट है। अब जो हमने स्टिचिंग किया था अब मैं इसको इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ। फ्रेंड जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोसेस बताया है अगर आप ये प्रोसेस यूज़ करेंगे या अपनाएंगे तो आसानी से आप सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड रिजल्ट आपके सामने है। फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।